27 फरवरी 2020 की जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज़ है उसमें ये दी न्यूज़ ने खबर पब्लिश की है कि हायर एजुकेशन बॉडी सेटिस्फाइड एट यूईटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी की टीम ने यूईटी पेशावर को विजिट किया और ये जो विजिट में है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं उनके मुताबिक उनका रिव्यू किया जा रहा होता है, जिसमें फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज, रिलेवेंस और जो स्टूडेंट टीचर रेशो वगैरह है, लैब फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो टीम थी उसने यूटी के प्रोग्राम्स को सेटिस्फैक्ट्री कहा है। उसके बाद ये चाइनीज एम्बेसी की स्कॉलरशिप्स पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए 100 स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं। इससे पहले लास्ट ईयर जो पेशावर यूनिवर्सिटी को 40 के करीब स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं। उसके बाद ये जो HEC की वेबसाइट पे चाइना की शिंगहुआ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स हैं। 2 स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और जियोलॉजिक इंजीनियरिंग एरिया में। इसकी फर्दर डिटेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है। देन बांग्लादेश में रिहेबिलिटेशन साइंसेज की स्कॉलरशिप है, ये अंडर दी वो सार्क प्रोग्राम ऑफर की जा रही है और इसकी भी फर्दर डिटेल लिंक जो प्रोवाइडेड है उस पर देखी जा सकती है।